नाजरीन आपको बताएं कि ना जमीन फटी और ना ही आसमान रोया, खून सफ़ेद हो गया, अंधे कत्ल का ड्रॉप सीन, सगा बेटा ही बाप का कातिल निकला, लाख की खातिर बाप को बेदर्दी से कत्ल करने का एतराफ़ भी कर लिया है। हमारे नुमाइंदे हाफिज़ ज़ुबैर की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात के नवाही गांव हांडे में चंद रोज़ कबल खेतों में वाटर सप्लाई मोटर चोरी होने से बचाने के लिए सोए हुए 70 साल मोहम्मद हुसैन को सर पर वार करके मौत के घाट उतार दिया गया था। तफ्तीश के बाद मालूम हुआ कि मोहम्मद हुसैन का कातिल कोई और नहीं, उसका अपना ही हकीकी बेटा है। कहानी कुछ यूं है कि थाना कड़ियावाला ने मकतूल के 45 साल बेटे शाहिद हुसैन की मुदय्यत में नामालूम अपराध के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज़ किया और एसएसपी इन्वेस्टिगेशन रियाज हुसैन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया, अब तक जिंदा है ये प्लाट तो मुझे मिलता नहीं है, मैंने कहा चलो अब इसको फ़र्क करके तो मैं प्लाट बेच के अपनी वो जो ख्वाहिश है वो पूरी करूँगा। तो ये अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया कि एक जो कत्ल था वो हमारे यहाँ से जो कड़ियों वाला और हमारी जो टीम है उसकी मेहनत से वो ट्रेस हुआ है और इंशाल्लाह ताला बंदा अब हमारे पास है, उसकी पूरा प्रोसेस करेंगे और मुकम्मल एक चलान बना के कोर्ट में भेजेंगे ताकि उसे मुकम्मल इस जुर्म के मुताबिक सजा मिले। के कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि मुकदमे के मदई बनने वाले मकतूल के 45 साल बेटे शाहिद हुसैन ने किया है। मुल्ज़िम निकट्टू था और प्लाट बेचने पर बाज़िद था। वालिद के इनकार पर मुल्ज़िम ने बाप को कत्ल करके जायदाद का खुद वारिस बनने के लिए सगे बाप मोहम्मद हुसैन को बेदर्दी से कत्ल कर दिया।